हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका फिर से वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाडो अभी स्कूल से आकर बैठी हुई है और ये भी दुकान से अभी आए हैं, वही चना लेकर बैठे हुए थे। और देखिए चना का भबरा बना रहे हैं, तो अब ये बना रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं स्नान कर ली थी तो दुकान से आए थे, तो मैं बोली कि आप खुद ही बना लीजिए, सारा कुछ मैं कर दी थी तो मैं बोली कि आप खुद ही बना लीजिए। ऐसे मैं बनाती तो मैं कढ़ाई में छान कर बनाती, लेकिन अब इन लोग जैसे भी बना ले वो सही ही है। तो देख सकते हैं कि लाडो स्कूल से आई है और स्कूल का आज आखिरी डे था तो होली वगैरह खेल कर आई है। देख सकते हैं पैर भी काट ली है, दिखा रही थी मुझे कि पैर भी काट ली है। और ये देखिए चना लेकर आए, और अभी मैं स्नान वगैरह कर ली थी इसलिए मैं बोली कि आप खुद ही बना लीजिए, मैं क्या मैं नमक छूने के लिए जाऊँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, चलो निकाल लीजिए खाना, निकाल लीजिए। भिंडी का सब्जी है? भिंडी के सब्जी से मतलब नहीं है। तो किसे मतलब है? आपको चोखा से मतलब है? कि आलू का चोखा भी है, भिंडी का सब्जी है, ये गरम पानी है, नहीं दाल है, दाल है, उसमें चावल है, और ये चना का भुजिया है। रोटी खाएंगे कि चावल? हमारा तो चावल खा के मन खा, लेकिन तो जब मैं पूजा पाठ करने के लिए अगर चली जाती हूँ तो ये खाना अपने से भी ले लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि अगर ऐसे तो अभी नाश्ता वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, लाडो भी गई मतलब लाडो भी आई है तो उसका भी आखिरी दिन है, और मेरे बेटा है उसका भी आज आखिरी ही ये दिन है स्कूल का। तो चलिए ये लोग का अपने खाना पीना अपना हो रहा है, खाना ना बना के अपना मेरा स्नान ध्यान मैं करने जा रही हूँ। तो ये दिन है मंगलवार का, तो चलिए अभी सबसे पहले मैं चलती हूँ पूजा पाठ करने, और ज़्यादा आपको नहीं दिखाएंगे पूजा पाठ की चीज़ें। तो आज मुझे पैर रंगने का मन हो रहा था तो थोड़ा सा देखिए पैर में आलता भी लगा लिए हैं, ऐसे तो होली आ ही रही है लेकिन पूरा देखिए फिर कैसे कलर यहाँ पर गिर गया है। तो चलिए पैर में आलता वगैरह लगा के आज पूजा पाठ करने का मन हो रहा था। तो ये मंगलवार का दिन है, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो देख सकते हैं ये बूंदी के लड्डू का प्रसाद भोग प्रसाद मैं लगाती हूँ हमेशा इसी तरह ही पूजा पाठ में करती हूँ जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर का जो एक बॉल लाइट जलता था वो अभी नहीं जल रहा है, क्यों? क्योंकि लाइन यहाँ मतलब कटा हुआ लाइन कटा हुआ इन्वर्टर का लाइन इस रूम में जल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर की पूजा पाठ मेरी हो गई है, मतलब हर मंगलवार को मेरी पूजा पाठ इसी तरह होती है। तो बस पूजा पाठ करके थोड़ा सा आज मैं हनुमान चालीसा मतलब हर मंगलवार को पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ, तो बस आज थोड़ा सा दिखा रही थी कि बस यहीं पर बैठ कर हनुमान चालीसा होता है जो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद कर लेते हैं आरती वगैरह। तो आरती भी मेरी हो गई है, सभी भगवान जी को ऐसे भाव से आरती दिखाते हैं तो बस दिखा दिए। तो चलिए अभी सभी को घर में आरती वगैरह दे देते हैं। उसके बाद दे दिए हैं इन सबको आरती वगैरह, घर में रहते हैं तो सभी को दे भी देते हैं। तो देखिए इसका तो आज से ही छुट्टी हो गया था, लाडू का आज आखिरी था एग्ज़ाम, तो सभी अब घर में बच्चे हैं, ये दो बार तीन बार लिया था तो वही मैं इसको बोल रही थी कि दो बार और लो। तो इनको भी अब दुकान जाएंगे तब टीका वगैरह प्रसाद वगैरह सभी कुछ मैं इनको दे देती हूँ, उसके बाद ये खा पी कर अपना दुकान निकल जाएंगे। लेकिन आज बारिश का मौसम थोड़ा सा किया हुआ है तो देखिए रुकते हैं क्या। तो प्रसाद वगैरह मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा दवाई वगैरह खाना है। तो ऐसे तो खांसी वगैरह अभी सही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज चावल ही खाने जा रही हूँ क्योंकि मैं नाश्ता बना ही नहीं रही हूँ अभी। तो चलिए चावल भी ले लेते हैं, खा लेते हैं। और आज खाने में यही मैं बनाई थी, दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनाई थी और आलू का चोखा बनाई थी और क्या बनाई थी, ये चना का भबरा ही हो गया, बना ही दिए हैं, देख सकते हैं कि रखा हुआ है। मैं तो खैर छान कर ही बनाती हूँ कढ़ाई में, लेकिन ये बना ही दिए इसी तरह, तो बस खा लेंगे। और ऐसे भी ये फिर ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, तो इसी तरह बस चलते हैं खाना पीना खा लेते हैं यहीं पर बैठ कर रूम में, ऐसे मैं बेड पर बैठ कर नहीं खाती हूँ। तो खाना पीना खाने के बाद उधर वो अपना दुकान निकल गए और मैं यहाँ पर देखिए इस चने को बैठ गई लेकर छीलने के लिए। पहले बर्तन लेके आओ, उसको काटे के कैंची लेके आओ बैठ के। हम अकेले छीलेंगे? नहीं तो छीलो, खाली खाएगी तुम लोग? और कचरा जो कर रही है ना आप झाड़ू लगा देना, तो बस इसी तरह हम माँ बेटी सभी मिलकर छील रहे थे और छिलते छिलते ही शाम हो गया था। तो सुकृति बस चाय लेकर आई है, गिलास लाई है, कप में पानी दे दो। हाँ मैं अकेले छील रही हूँ एक घंटा से, इस तरह छिली जरा छिल छू जरा करी हूँ देख ले।
तो बस मौसम ही मतलब बारिश हो रहा था बाहर, ऐसा मौसम अभी किया हुआ है, तो उसको मैं बोली थी कि चाय बना कर लाओ, तो चाय लाई है और यहाँ बारिश अभी हो रहा है। बहुत ही मौसम अच्छा लग रहा था अब यहाँ पर, और ये समझिए कि 4 से 4:30 बजने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जब लोग पढ़ाने के लिए सर आएंगे तभी मैं यहाँ से हटूँगी। तो देखिए चाय भी ला कर दे दी है, पानी भी ला कर दे दी है यहीं पर, और मैं कितना छील ली हूँ देख ही सकते हैं बर्तन में। तो वही इसको छिलते छिलते मतलब शाम हो गया था, लगभग 4 से 4:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर मैं उठूँगी कब, जब सर इन लोग को पढ़ाने के लिए आएंगे तब। तब तक सुबह से मतलब आराम से मैं यहाँ पर बैठ के छील रही थी। मैं ही बोली थी कि लेकर आएगा, बैठे हुए रहते हैं तो छील देंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग इसको छीला वही लेकर जाते हैं, किसके पास इतना टाइम होता है कि इसको बैठ कर छीले, बहुत सभी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं तो खैर छील ली हूँ उसको, और इसको अच्छे से रख दूँगी। मैं कैसे रखूँगी जो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए यहाँ पर सुकृति चाय पानी दोनों ला कर दे दी है, पी रहे हैं, छील रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। उसके बाद आ गया है अपना काम कबाड़ी, तो उधर सर पढ़ा रहे हैं और मैं अपना उठी हूँ, तो बस बर्तन वगैरह धोने में लग गई हूँ। उसके बाद सांझ बत्ती दे दिए हैं, अभी ये सांझ बत्ती देकर बस अपने अब खाना की तैयारी में लग जाते हैं। सुबह शाम तो खाना का टेंशन थोड़ा सा हम लोग को लगता ही है। इसके पहले मैं चने को कैसे रख रही हूँ ये देखिए, तो इसको तो खैर मतलब बंद प्लास्टिक में भी रखते हैं, तो मैं डिब्बे में रख देती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इससे क्या होता है कि काला नहीं होता है, पता ही होगा मतलब बहुत सारे लोग को। तो चलिए इसको डिब्बे में बंद करके रख देते हैं, और मैं इसको होली के दिन ही बनाऊंगी। तो मैं कितना पहले रख रही हूँ मतलब आप लोग खुद ही समझ जाइए। तो ऐसे बस मैं रख देती हूँ इसको फ्रिज में, और फ्रिज में रख देते हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं, और इसके बाद अभी खाना पीना मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, सब्जी भी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो चलिए आज बनाते हैं बेसन की सब्जी। और बेसन की सब्जी की रेसिपी ऐसे मैं पहले भी एक बार दी थी, मैं बनाई थी, बहुत ही अच्छा बना था। तो मैं प्याज वाला बनाई थी, मसालों को मतलब प्याज से बनाई थी। आज प्याज वाला नहीं बनाएंगे, आज सरसों देकर बनाएंगे। तो बस बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बेसन को चाल लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से इसको मैं चाल ली हूँ जितना बनाना है। और इसमें दे देते हैं नमक, उसके बाद इसमें दे देते हैं हल्दी पाउडर, देख सकते हैं कि हल्दी पाउडर दे दी है, और मिर्च पाउडर भी दे देते हैं, ज़्यादा भी मिर्च नहीं दी हूँ, थोड़ा सा दे देते हैं धनिया पाउडर। ग्रेवी में भी देंगे मिर्च पाउडर, इससे थोड़ा सा कम ही दिए हैं। और ये है लहसुन और गोलकी और जीरा, दोनों इसमें मिक्स करके पीस दिए हैं तीनों, मतलब इसीलिए इसका कलर ऐसा भी है। और थोड़ा सा इसमें मैं दे देती हूँ खाने वाला सोडा, ये खाने वाला सोडा है, थोड़ा सा दे दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें दे दी हूँ तेल, देख सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हाथों से इसी तरह से मिला देते हैं, थोड़ा सा पानी अब देते जाते हैं, और जितना हम लोग घोल रख मतलब करना है जितना, उसी के अनुसार मैं इसे पानी देकर मिला ली हूँ। देख सकते हैं कि इसको मैं इतना ही रखूँगी, अब इसमें ज़्यादा पानी अब नहीं देंगे, इसको इतना ही रखेंगे पतला, देख सकते हैं। तो चलिए इसको वापस अब चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर, और इसको गैस पर चढ़ाने के बाद हमेशा ही मतलब इसको लगातार चलाना ही पड़ता है। गैस पर चढ़ाने के बाद इसको लगातार चलाना ज़रूरी हो जाता है, अगर इसको थोड़ा सा भी नहीं चलाएंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाता है, फिर सब्जी हम लोग का अच्छा नहीं बनता है। इसलिए इसको मैं लगातार इसको मैं इसी तरह से चलाते रहूँगी, थोड़ा सा भी इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, यहाँ से मैं हट भी नहीं सकती हूँ। तो चलिए इसको इसी लगातार देख सकते हैं कि चलाते रहना है जब तक ये सूख ना जाए। तो देखिए इसका कलर अब कैसा आ गया है, ये समझिए कि अब ये हो गया है। इसको अब निकालती हूँ मैं थाली में, अब इसको निकाल कर थाली में जमा देते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं तेल लगाती हूँ, ये रिफाइंड ऑयल है इसमें, तो यही वाला रिफाइंड में इसमें लगा देती हूँ। और सुकृति इसमें शाम को मतलब छान कर खाई थी कुछ, तो वही वाला है। तो बस इसमें से निकाल कर थाली में लगा देते हैं, और इसको अच्छी तरह से ये बेसन को इसमें जमा देते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ बेसन की सब्ज़ी तो ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे यहाँ सबको ऐसे ही पसंद लग पड़ता है, मतलब जैसे सभी लोग खाएंगे वैसे ही ना बनाएंगे, तो यही बात हो जाता है कि सभी को यही वाला अच्छा लगता है। एक दो तीन तरीके से बनता है, लेकिन मेरे यहाँ सभी को यही वाला अच्छा लगता है। तो चलिए देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी में लगाकर, हाथों में पानी लगाकर ऐसे में जमा रही हूँ। थोड़ा सा गर्म भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का आप पानी लगाकर ऐसे जमा देते हैं, और जमाने के बाद थोड़ा देर इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं जब तक ये ठंडा होता है, जब तक मैं कढ़ाई वगैरह धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, मांज वाज लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर वापस से आ गए हैं, तो इधर कढ़ाई धो के चढ़ा दिए हैं, और आटा भी मेरा रख चुका है, और इसको अब काटते हैं। ये ठंडा हो गया है बहुत अच्छी तरह से, तो बस इसी तरह से इसको जैसे जैसे हम लोग को जैसे मतलब शेप में काटना है उसी तरह से मैं इसको काट रही हूँ। एक जिसके पहले भी मैं जब मैं बनाई थी तो ऐसे ही मैं बनाई थी, तो आज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इसके पहले जब मैं बनाई थी तो वो प्याज वाला बनाई थी, तो उस मतलब वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन आज ये पहली बार ऐसे सरसों वाली सब्जी मैं बना रही हूँ।
तो चलिए सारे को मैं काट ली हूँ, देख सकते हैं जैसे भी सेब है छोटा बड़ा जो भी है उसको मैं काट ली हूँ, और काट के एक दूसरे में प्लेट में रख रही थी। देखिए इसके बाद सभी को मैं तलना शुरू कर देती हूँ। ऐसे तेल को पूरी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही इसको तलेंगे। तो देख सकते हैं कि मैं इसको इतना ही मोटा रखी हूँ, इतना मतलब जैसा जिसको खाना है उसके अनुसार हम लोग रख सकते हैं। और इसको आप लोग देख भी रहे हैं कि मैं ज़्यादा पतला मतलब नहीं काटी हूँ, ऐसे ही मैं काटती हूँ, ऐसे ही इसको रखेंगे। फिर ज़्यादा पतला काटने से क्या होता है कि फिर तलने में भी चूर हो जाता है और फिर ग्रेवी में डालो तो भी चूर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था तो मैं इसको बस तलना शुरू कर दी हूँ। इसको हल्के हल्के ज़्यादा भी कम आँच पर मैं नहीं तलूँगी, मीडियम आँच इसको पर मैं रख कर इसको इसी तरह से घुमा घुमा कर तल देती हूँ। और मैं जब भी इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ तो ये जब इसको तल के निकालती हूँ तो उसी समय ये आधा सभी लोग खत्म भी कर देते हैं, और हमेशा की तरह फिर सब्ज़ी बनते बनते दुकान से आ भी जाएंगे। तो बस इसको अलग पलट के इसी तरह से मैं इसको सभी को छान लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद देख सकते हैं कि ये तला गया है, मतलब इसको अब निकालने के लिए हो गया है। तो चलिए फटाफट से इसको मैं निकाल भी लेती हूँ। सारे को देखिए निकाल लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको देखने में। अब इसी तरह से मैं सारे को पहले छान लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं कि देखिए सभी को छान भी लिए हैं। अब सरसों की सब्जी बनानी है तो इसमें ले लिए हैं सरसों, उसी मसाले में ले लिए हैं जिसमें मैं पहले लहसुन वगैरह पीसी थी, बस उसी में ले लिए हैं सरसों और पीस लिए हैं। और सबसे पहले दे देते हैं फ़ौरन। फ़ौरन देने के बाद पहले मैं दे दी हूँ हल्दी पाउडर तेल में, उसके बाद ये मसाले मैं इसमें दे रही हूँ। नमक तो पहले से भी होगा इसमें, लेकिन कम होगा ना फिर ऊपर से तेल जाएगा तो फिर नमक टमाटर काटा। चलो काटो जल्दी काट लो मछली के थोड़ की तरफ। हो गया, इसमें डाल दो। चलो चलो लड्डू तो वही मैं इसको बोल रही थी कि सीखे हैं कब, आज इसको थोड़ा सा सब्जी बनाना भी सिखा रहे थे। मैं बोल रही थी कि कभी कहीं बाहर जाओगे तो कैसे बनाओगे खाओगे सीख लो, तो ऐसा तो ये बनाने के लिए आज बोल ही रहा था, लेकिन सारा प्रोसेस आज देखा है कि मैं कैसे बनाई हूँ। लेकिन अपने से बोल रहे थे कि हम टमाटर काटेंगे और सभी कुछ काटेंगे, हम ही इसमें कैसे कब देना है, जो खुद ही सीखने की आज कोशिश ही कर रहा था। तो चलिए देख सकते हैं कि कैसे मसाला इसको मैं भूंज रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से इसको भून चुके हैं। तो चलिए पानी को 2 से 3 गिलास इसमें देने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से इसको अब उबालेंगे। जैसे मछली बनाते हैं हम लोग तो उसका ग्रेवी जैसे बनाते हैं, बहुत उसको भी अच्छी तरह से उबालते ही उसके बाद ही मछली उसमें जाता है, उसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसको भी मैं उसी तरह से बना रही हूँ, तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये उबल रहा है। और इसको इतना उबालना है कि जो ऊपर में जो ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर का झाग, जब तक ये झाग मतलब ये ख़त्म ना हो जाए जब तक इसको मैं उबालते ही रहूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें सारी सब्जियों को ऐड करूँगी। देख सकते हैं कि इसको भी और उबालना है, 15 से 20 मिनट इसको मैं उबालूंगी, उसके बाद ही मैं सारी सब्जियों को दूंगी। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं कि हो चुका है। मैं इसको बार बार मैं चला भी रही थी, मतलब ढककर छोड़ी थी नहीं, लेकिन बार बार मैं चला भी रही थी, देख रही थी कि कैसा ही हुआ है। तो इसमें अब लगभग झाग खत्म हो चुका है, तो सारी सब्जियाँ मैं इसमें भी डाल देती हूँ धीरे धीरे करके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना पानी है तो जब सब्जियाँ चली जाएगी तो फिर पानी मतलब थोड़ा देर इसको छोड़ा जाता है, उसके बाद क्या होता है सारा ग्रेवी फिर ये सोख भी लेता है। तो बस सारी सब्जियों को मैं इसी तरह से इसमें मैं ऐड कर दी हूँ, देख सकते हैं, और एक भी मेरा टूटा हुआ नहीं है। जैसे मैं काटी थी उसी तरह से सभी को छानी भी हूँ और उसी तरह से ग्रेवी में मैं मिला भी रही हूँ। तो देखिए आपको ये कैसा लग रहा है अब देखने में। तो बस इसको मैं सभी को मतलब इसमें मिलाकर अब इसको प्लेट से मैं ढक दूंगी, उसके बाद ही मैं गैस को बंद कर देती हूँ। जल्दी करो, बंद करेंगे। चलो इसको ढक दो। तो चलिए 5 से 10 मिनट होने के बाद अब सब्जी को खोलते हैं और खाने को शुरू करते हैं।
दिखाती हूँ, बन के हाँ दे रही हूँ, बन गया देखो। वाह कितना टेस्टी सब्जी है। हाँ मछली है, मछली। चलो सर्व करते हैं खाने को। प्लेट लाओ ना, तू भी ला दो। मछली खाओ या इसको खाओ, बात तो बराबर है। तो मछली नॉन वेज रहता है, ये वेज है। ये वेज मछली है, ले ले लो। नहीं फिर और ले लेना तू। चलो सलाद में हो गया, नमक डाल दिए। चलो ले लो तुम्हारा इसमें। दे दो खाना, लो तुम्हारा खाना भी। बीट खाएगी ना? बीट हाँ, बस 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 बीट खा। जाओ तो ठीक, जाओ तुम खाओ। तो ये खाना रेडी हो गया है, देख सकते हैं। यहीं पर खाएगा, इस पर बैठकर। तो बस इसी तरह से दे दिए हैं सभी को खाना पीना खाने के लिए। और मेरा बेटा बोल रहा था कि आज वेज मछली बनाना मतलब सीखा है। आप लोग सुन ही रहे होंगे कि सभी लोग बोल रहे थे कि मछली बन गया है, वो बोल रहा था कि वेज मछली है, मतलब इसी तरह से बातें घर में हो रही थी। तो चलिए खाना पीना सभी को देने के बाद, खाना पीना सभी का हो गया है और बस कढ़ाई वगैरह सभी कुछ निकाल दिए, बर्तन देख सकते हैं ऊपर सभी पूरा मेरा गैस साफ सुथरा हो गया है। हमेशा की तरह हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। और बच्चों का मैं दूध भी निकाल दी हूँ, जो बोल रही है पिएगी। तो तीन लोगों का मैं दूध निकाली हूँ, दोनों बच्चों का, और एक गिलास पानी निकाल दी हूँ। तो बस जिसको पीना है मैं यहाँ पर रख दी हूँ, पी लेगी। और बाकी भी एक दूध लेकर अपने जा रही हूँ, रूम में दे देती हूँ उनको। तो बस सभी इसी सभी के साथ जो मेरा डेली का काम होता है वही काम मेरा हो रहा है। और एक गिलास पानी तो मैं हमेशा ही रखती हूँ किचन में, तो जैसा हमेशा करते हैं बस वैसे ही एक गिलास पानी किचन में रख देते हैं। और साफ सुथरा किचन को हमेशा तरह कर ही दिए हैं। और इसी के साथ फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।